नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। शुरुआत करेंगे इलेक्शन फटाफट की। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी के नकौर गांव में मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास की बयार बह रही है। जो भी लोग मतदान कर रहे हैं वो ये सोचकर मतदान कर रहे हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय और कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन ने मतदान किया और मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाराज ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे ने रोशनाबाद के नवोदय विद्यालय के मॉडल मतदान केंद्र पर सहपरिवार मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। रुड़की से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर उनकी तरफ से कराए गए विकास कार्यों को लेकर शहर की जनता उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेगी। चमोली के जोशी मठ में मतदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, तो बुजुर्ग भी मतदान करने में पीछे नहीं रहे। 90 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीमांत के बड़ा गांव मेरग ढाक तपोवन क्षेत्र में मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन भी देखने को मिला और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी दिखे।